कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो इस बार स्टोरी मिशन को ही कंटिन्यू करते हैं जहां पर मैंने कल पे छोड़ा था। तो चलते हैं सबसे पहले हैंडलर के पास। हैंडलर के पास जाने से पहले एक बार फिर से एज यूजुअल स्मिथी के साथ बात कर लेते हैं, आर्मरी लेडी के साथ बात कर लेते हैं, देखते हैं उसके पास अपने लिए कुछ और होगा कि नहीं। तो वो कहती है, Hey, you're just the hunter I was looking for. I'm working on new specialized tools, but I need help with the materials. Can I talk you into signing up for the quest, the Red and Blue Crew? All right. I ask provisions to put aside what I need once the quest is completed. Whenever you feel like it, it's just fine. तो यार एक और specialized tool के लिए quest दे चुकी है वो, तो उसको जाने देते हैं, स्मिथी के पास चलते हैं। अपग्रेड्स में तो कुछ होगा नहीं, फोर्ज में देखते हैं। वैल हजैक का आर्मर, तो वैल हजैक का जो आर्मर है उसमें देखते हैं, थ्री पीस देता है, अलाउज रिकवरी टू एक्सीड द रेड पोर्शन ऑफ द हेल्थ कॉज। इसका मतलब ये है यार कि जब भी अपनी लाइफ थोड़ी सी कम होती है या फिर जब भी अपने को डैमेज लगता है तो एक हल्का सा रेड एरिया आ जाता है अपने हेल्थ पे, और वो रेड एरिया यूजुअली रिकवरेबल होता है अपने आप पे। तो वैल हजैक का जो स्किल है वो रेड एरिया के ऊपर भी, रेड एरिया के आगे भी अपने हेल्थ को रिकवर करने की परमिशन देता है। तो वो बाद में देखते हैं, एक बार मियोस्कुलर से भी पूछ लेते हैं उसके पास अगर कुछ नया हो तो। You interested in bulking up the canteen with more ingredients? Now that's what I'm talking about. Take care of the quest, chef quest, pumped to deliver, and we'll get that menu so jacked you won't be able to lift it. You want the gains, you want the glory, then deliver the goods. Don't let me down. Chef Shivi, naya quest mil chuka. तो यार ये जो ऑप्शनल क्वेस्ट है इनको इग्नोर करना नहीं चाहिए, यूजुअली बीच बीच में जाकर इनको देखना चाहिए, क्योंकि कौन सा स्पेशलाइज्ड टूल्स कब काम आ जाए वो पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट हर स्पेशलाइज्ड टूल हर एक सिचुएशन पे काम आ सकते हैं। तो बाद में करते हैं ऑप्शनल क्वेस्ट को कंप्लीट, सबसे पहले हैंडलर्स के पास जाते हैं। तो उस क्वेस्ट के लिए एक्सेप्ट द क्वेस्ट लैंड ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। लैंड ऑफ कन्वर्जेंस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक नया मैप होने वाला है। तो आइटम चेंज कर लेता हूँ मैं, इस बार कोशिश करूँगा फिर से डुअल ब्लेड यूज़ करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम डुअल ब्लेड के साथ जो मैचअप था मॉन्स्टर का वो अच्छा नहीं था। होपफुली इस बार डुअल ब्लेड से एक अच्छा हंट मिल सके। तो हैंडलर के पास चलता हूँ, पोस्ट न्यू क्वेस्ट असाइंड लैंड ऑफ कन्वर्जेंस। एज यूजुअल एक नया मैप है जैसे कि साइड पे देख सकते हो, और ये 9-star क्वेस्ट मैप है। इसका मतलब है कि इसके बाद जो भी क्वेस्ट मिलने वाले हैं और जो भी क्वेस्ट आएंगे, ऑप्शनल क्वेस्ट या फिर इवेंट क्वेस्ट, मैं 9-star क्वेस्ट अनलॉक कर चुका होऊंगा। तो मैं इस क्वेस्ट को कर लूँगा एक्सेप्ट और मैं जाऊंगा शेफ़ के पास। और देख सकते हो यार केले वगैरह लगा दिए हैं शेफ़ ने, अपना जो कैंटीन है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। नाइस, तो यार खा लेते एक बढ़िया सा मील। और जैसा कि तुम देख सकते हो एक नया एनिमेशन आ चुका है मील का। एकदम ही बारबेक्यू नेशन का मेन्यू लग रहा है वो। तो ठीक है, मील कंप्लीट होते ही चल लेते हैं नए क्वेस्ट के लिए। हैंडलर ने मुझसे दो बार पूछा कि मैं श्योर हूँ कि नहीं इस क्वेस्ट के लिए, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेस्ट होने वाला है।
कि हैंडलर ने ऐसा पहले कभी रोका नहीं अपने को किसी को इस पे जाने से। इससे पहले मैं आइटम बॉक्स में सब कुछ देखता हूँ सही है कि नहीं, लग तो रहा है एडमिरल और सीकर एक जगह मौजूद है, वहाँ पर देख सकते हो। पहले एडमिरल से बात कर लेते हैं। You made it on time too. I like that. The guy over there is the one who called you here. I hear you have crossed path before. According to him, there's a place upriver where all the energy converges. So, that means it's time. When you're ready, hop onto the boat over there. But remember, once you do, there's no turning back. If you're not ready, then you can step away now, and no one will judge you. So, what do you say? Are you ready? I see. Just as I thought. That's the way of the New World Hunter. तो एडमिरल ने भी ऑप्शन दिया कि स्टेप बैक कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है यार कि गेम के ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास आने वाले हैं, क्योंकि एडमिरल या फिर कोई भी कैरेक्टर आज तक ऐसा डायलॉग अपने पर दिया नहीं कि अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो स्टेप बैक करो। इनफैक्ट एडमिरल तो बहुत ही मतलब ज़्यादा पम्प्ड अप रहता है। तो प्रॉबेबली मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड का ये नया क्वेस्ट होने वाला है, और ये नया क्वेस्ट शायद इस स्टोरी लाइन का आखिरी क्वेस्ट होएगा, बट देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। और जैसे कि मैं तुम्हें बता दूँ, ये सिर्फ मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड नहीं, मॉन्स्टर हंटर आइसबॉर्न भी है। तो अगर वर्ल्ड ख़त्म होता है तो इसका मतलब है कि आइसबॉर्न चालू होगा, क्योंकि वो एक नया DLC है। तो बात कर लेते हैं सीकर से। Since we last met, I have followed the trail of evidence and arrived here. And so, it appears, have you? I take it you've been the Elder Dragon's graveyard. I have discovered that an abnormal amount of energy was flowing through the veins beneath the veil and cursing this whole continent. When we last spoke, I was still investigating the cause. But now, I have located a place where all the energy seems to be gathering. It's all at the end of this river. I intend to go there and see this place. This is the end of everything. Together, let us find out our ending. Farewell. I will wait for you here until you know you are ready. तो यार जैसा कि मैंने कहा था, ये एंड क्वेस्ट होने वाला है मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड का। तो बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है, जैसा कि तुम देख सकते हो एनवायरनमेंट से ही पता चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सर्ज हो रही है इस एनवायरनमेंट से। तो चलते हैं इसके ऊपर। आई बिलीव यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, बोर्ड द बोट। एक क्वेस्ट में इतना ज़्यादा ऑप्शन पहले कभी नहीं मिला। देन लेट अस फॉलो द फेंट लाइट There is, and see where the river takes us. Zora Magdaros crossed the dark sea, and now this will be our crossing. तो यार क्वेस्ट के एंड पे हैं हम। You're really doing this? We shall return. Fear not. How did you even find this damn place, anyway? We have Zora Magdaros to thank for clearing the way. Upon dying, the Elder Dragons dissolve in the effluvium, and the energy that accumulates in the veins of the earth then crystallizes. And over time, that grew into this recess? Yes,
However, in more recent years, I have sensed a drastic surge in the land's energies. I don't like the sound of this. Prepare yourself, my friend. Something is terribly amiss. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी ऐसी चीज से फाइट करने वाले हैं जिससे फाइट करनी नहीं चाहिए. इस गेम में एडमिरल कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड है. पूरी नाव खींच ली उसने. It's inside. Great mother of damn. Dragon Ganda. Over countless years, the Elder's bioenergy created this. Even I never expected it to be so enormous. Wait. It's too pure. What is this thing really? I guess Dragon Ganda nahi tha ye, kuch aur hai. ये तो ओवर किल है यार. ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है. साइज देखो यार इसका. अब तक का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है जिससे फेस टू फेस फाइट हुई है. ज़ोरा मैग्नरोस तो फिर भी एक बहुत बड़ा मैप बोल सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल मॉन्स्टर है. तो जितना मुझे समझ आता है, वो जिस ककून से निकला, उस ककून में बैठकर वो जितने भी ड्रैगन्स थे उनकी बायो एनर्जी को खींच रहा था, और उतने सारे बायो एनर्जी को उसने एक ही बार में रिलीज करा. नहीं 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 नहीं. ओके. अरे बाप रे. थोड़ा हाई ग्राउंड पहले मैं ले लूंगा. और इसके अटैक्स ऐसे क्यों लग रहे हैं कि थोड़े से एम मिस हो रहे हैं इसके अटैक्स के. ओ, वो स्वाइप एम मिस नहीं था. लिटरली सुपर सेंस की एनर्जी ब्लास्ट छोड़ रहा है मेरे पे. तो यार क्योंकि लंबा ड्रैगन है ये, ड्यूअल ब्लेड्स बिल्कुल सही वेपन है इसके लिए. अरे बाप रे, बहुत बुरा टेल स्लैम था. तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा ड्यूअल ब्लेड्स की असली पावर.
इसको इस तरफ फेस करवाते हैं। नाइस, जैसे ही इसने फेस कर दिया है मैं इस लेज से, अरे ये देखो यार, ये थी ड्यूअल ब्लेड की असली पावर। अब सोचो इसके पूरे लेंथ से अगर मैं वैसे होके जाऊं तो, जो कि मैं कर सकता हूं अभी, उसको पास आने के लिए वेट करता हूं, वो शायद आएगा नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं। उसका साइज ही उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी दिख रही है मेरे को, क्योंकि मैं उसके साइज के बीच में से ही डॉज कर ले रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर उसके बीच में हिटबॉक्स आ जाता तो मैं खत्म हो जाना था। ओ, इसको मैंने खरोच मार दिया है। थैंक्स बिल्ले, पार्ट ब्रेक मिल चुका है पहला, नाइस। अगर उस जगह पर मैं होता तो ऑलमोस्ट खत्म ही था, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही था मैं। क्या मैं इस पर सवार हो सकता हूँ? नहीं। आई गेस जो ब्लू वाले पार्ट्स है वो उसके प्रेशर पॉइंट्स है और वहीं पर मुझे हिट करना है। हिट पड़ा उसमें मेरे को। थोड़ा दूर चले जाता हूं मैं इससे। इसकी छह आंखें हैं ऐसा लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, इसको इधर आने के लिए, इसको इधर आने के लिए वेट करता हूं, लेकिन रेंज अटैक मारने पे लगा है ये। किसी तरीके से इधर आने के लिए वेट कर पाया तो मैं ड्यूअल ब्लेड रन इसके शरीर के ऊपर से कर पाऊंगा। ओके नाइस, तो आ चुका है यहां पे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, कोशिश फिर से करूँगा। क्या मतलब वी? मुझे इसकी पूंछ चाहिए। फिर से नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या स्ले, अरे अरे क्यों? ओके ओके ओके, एक और बढ़िया मूव। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ककून से जस्ट निकला है ये एक बच्चा ड्रैगन है, अभी तक ये पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ। अरे बाप रे, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं हिट किया, नहीं, नहीं। आएगा ये नीचे? नहीं, मैं उसी के अंदर रोल कर गया। हेल्थ भर लेता वो अपनी। थैंक्स बिल्ले,
इसी टाइम पे मैं वेपन भी शार्प कर लेता हूँ क्योंकि उसका निशाना एकदम बेकार है, सही में बेकार है, नहीं तो इस टाइम में बच नहीं पाता। ये कर क्या रहा है? ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। अरे बाप रे, इससे लड़ना कैसे है मुझे कुछ? ये रैंडमली कहीं पर भी इसके एनर्जी के बर्स्ट आ रहे हैं, इससे लड़ना कैसे है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर चढ़ जाता हूं, शायद कुछ हो। नहीं, ओके नाइस, एक और बार। ये उड़ कैसे? कैसे? ओ नहीं, ट्रैवलिंग वाया विंग ब्रेक, मुझे नहीं लगता उड़ते हुए इससे मैं लड़ पाऊंगा, या फिर उड़ते हुए इससे लड़ना कुछ अच्छा आइडिया होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे लगा मैं एनिमेशन पे अटक गया था, मैं निकल नहीं पाऊंगा, बट चलो निकल गया। डुअल ब्लेड लाना बेवकूफी थी, इसके लिए लॉन्ग शॉट लाना चाहिए था। इसके ऊपर चढ़ता हूं मैं और कोशिश करता हूं। आह, टाइमिंग सही नहीं थी, लेकिन फिर से कोशिश करी जाएगी। क्यों यार, क्यों? देखता हूँ यहाँ से निकल सकता हूँ कि नहीं, निकल भी नहीं सकता। अगर निकल सकता था तो इनसे ग्लेव लेकर आ जाता। अरे अरे अरे, पास आ जा, थोड़ा और ऐसे। ये आया बड़ा डैमेज। एक सेकंड के लिए मैं बन चुका था कैप्टन लीवाई, तो पूंछ काट दी है मैंने इसकी। नाइस, डॉज रोल कर नहीं पाया मैं उधर। एक और बार फिर से कोशिश करेंगे वो चीज करने की, भले ही वो हवा में हो। औकात दिखा दी गई है इसको अपनी। कर क्या रहा है ये, कर क्या रहा है ये? ये कैसे हुआ? खैर जैसे भी हुआ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको डैमेज देता हूं जब तक दे सकूं। एक और बार वही शुरू करते हैं।
ओके नाइस नाइस, वैसे ही रहना। टेढ़ा हो गया। चिल्लाना बंद कर, मैं कूद नहीं पा रहा इसके ऊपर। नाइस, एक और सक्सेसफुल कोशिश, फिर से ट्राई करते हैं। पासा, बेकार कोशिश। उसने वो पोडियम ही तोड़ दिया। अब मुझे नहीं लगता अब मैं उसके ऊपर चढ़ के मार पाऊंगा, तो यूजुअली अभी ड्यूअल ब्लेड के यूजुअल सिनारी गन से यूज करने पड़ेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे पास ड्यूअल ब्लेड के अलावा अगर लॉन्ग सॉर्ड होता तो। यार नाइस, हेड पे हिट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसका हेड ही इतना ऊंचा है मेरा ब्लेड नहीं पहुंच रहा, तो इसके पैरों के पास रुकता हूं और वेपन को शार्पन कर लेता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, नाइस, नहीं हो पाया, बीच में इंटरप्ट हो गया मैं। अरे बाप रे, मुझे लगा था वो कोई तो भी एरिया अटैक करेगा। मैं मरने वाला हूं, मरने से पहले मैं जाके वो दवाई खा लेता हूं, लेकिन अगर मैं एक बार मर जाऊं तो हो सकता है मैं वेपन चेंज कर सकूं, तो मैं वेट करता हूं एक बार इसको पूरी हेल्थ खत्म करने के लिए, तब तक इसी हेल्थ में ही फाइट करूंगा। पत्थर के पीछे देखता हूं कितना मैं शार्पन कर सकता हूं। नाइस, शार्पनेस कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स बिल्ले, गया मैं। नाइस। तो यार बिल्ले के विगर बॉस का एक और फीचर है कि एक बार मरने के बाद वो तुम्हें बचा सकता है। कुछ ज्यादा ही बड़ा डैमेज दे दिया उसने फिर से। जैसा कि तुम्हें देखकर ही लग रहा होगा मैं कोशिश नहीं कर रहा कि अभी इससे जिंदा रहकर लड़ूं, क्योंकि मुझे पता है ड्यूअल ब्लेड्स के साथ अगर मैं इससे लड़ूं तो पूरा फॉरएवर लग जाएगा। अरे अपने, शायद इसको गुस्सा दिला चुका हूं मैं। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत विन विन सिचुएशन है। एक बार फेंट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे भी वेपन चेंज करना है। आई गेस ड्यूअल ब्लेड किसी हद तक अच्छा था इस हंट के लिए। मैं लेके जाता हूँ स्विच एक्स भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है तो उससे ज़्यादा टिक नहीं पाऊँगा। ग्रेट स्वॉर्ड बहुत स्लो हिटिंग है अभी, तो मैं फ़िलहाल तो यही लेके जाऊँगा। देखता हूँ मील में कुछ अवेलेबल है कि नहीं।
मीट प्लेटर है स्टैमिना 50 करने के लिए, तो वही ले लेता हूँ। और अटैक लार्ज मिल चुका है मेरे को, अटैक बूस्ट मिल चुका है, तो होपफुली इस बार उसको इजीली हराया जा सके। अरे क्यों, जैसे ही ऊपर आया जैसे ही लॉन्ग शॉट लेके आया वैसे ही वो उड़ने लगा। इसको तब तक हवा में अटैक करता रहूंगा जब तक ये हवा से नीचे नहीं आ जाता। और ये जहां से अटैक कर रहा है वहां से आग निकल रही है, तो इसका मतलब फिर से मैं डॉज रोल नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। एनी हाउ साइट ऑलमोस्ट सक्सेसफुली था, फिर से उड़ान भर चुका है वो। तब तक कर लेता हूं खुद को ही, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। बहुत ही ज्यादा सडन अटैक था वो। फिर से कोशिश करूंगा लेकिन इस बार वेपन को शार्पन कर लूं। ये हर एक एक सेकंड के बाद या फिर हर एक एक मिनट के बाद एक एक नया नया मूव सेट लेकर आ रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज तो इसको हरा कर ही जाना है। गेम का आखिरी मॉन्स्टर है तो हराना इतना आसान एक्सपेक्ट भी मैं नहीं करूंगा। स्पिरिट गेज सेकेंड टाइम फेल होने से रह गया, फिर से ट्राई करते हैं। भागना बंद कर ड्रैगन, नाइस। स्पिरिट गेज पूरा हो चुका है फुल, अब बस हेल्म ब्रेकर का इंतजार है। नाइस, पड़ जा, पड़ गया। और हेल्म ब्रेकर के साथ होली शिट, ये मॉन्स्टर हो चुका है खत्म। साइज देखो जरा इस चीज का, अननोन मॉन्स्टर, अननोन शेल, अननोन टेल, अननोन जेम,
जिसकी पूंछ ही मैंने काटी थी वो भी लूट लेता हूं। इसकी पूंछ का साइज ही, सिर्फ पूंछ के टिप का साइज ही पूरे ओडोगेरोन के बराबर है। शेट। तो यार बहुत ही मजेदार फाइट थी वो। आधे टाइम समझ नहीं आया उसका मूव सेट क्या था, उसके मूव सेट कब चेंज हो गए। ऐसा लगा था एआई मेरे एक्शन से इंटरैक्ट कर रहा था। राउंड टू। ओ नहीं, एडमिरल बचा लेगा। नाइस। 25 मिनट लगे मुझे उस फाइट के लिए। यार एक बार फिर से वो फाइट करना तो बनता है। लेकिन अभी जो लगता है कटसीन आने वाला है, नया फाइट उसी के बाद। Do is sleep and fall off things. So how awesome were you down there? Stop too being awesome? Annoying. Yes. Well, good morning. Thanks to you, the Research Commission's work is complete. I sent a ship ahead to report back to the Guild. They'll relieve us just as soon as they confirm our findings. Everyone, I commend you all for your valiant efforts here. And now, let us celebrate! To banquet! Well, we did it. You know, after we crash-landed here, I started to wonder if I made the right choice. But the new world was all the adventure I wanted and more. Oh, she made it! I'm just gonna say hi. Handler ka hairstyle change ho chuka hai. Looking extra cute tonight. May I? If not for you, I might not be alive. Thank you. You have quite the eccentric group here, but all of them talented, unique, driven. You all seem willful of your own mind, but when the time comes, you join together and become a force to be reckoned with. I suspect there is no trial you could not collectively overcome. Monster that's been incubating in bioenergy. Lurking so close, yet hiding so well. Perhaps it was what first drew the aging elders here, to satisfy its cravings for energy. Could be right. Maybe it used some sort of pheromone or something. Eventually, the land became rich with nutrients, the perfect home for tough monsters. The energy smorgasbord must be why the elders inhabit the recess. Huh, you know, we're lucky you stopped that thing. Would have been a disaster if it left its nest. Well then, three cheers for you. No, I think you should keep. Listen up, everyone. We've received word from the Guild. The Guild commends you for your dedicated research of the Elder Crossing. In light of your findings, we have confirmed the monster as a new species of Elder Dragon.
An official name has been chosen. Zeno Jiva. This concludes your duties with the Research Commission. We thank you again for your service. You are free to return home at your discretion. Yeah. However, the Commission's presence in the New World still has potential to be of great benefit to the Guild. We would ask you to continue your work there, if you are so willing. There you have it. If we decide to stay and take on new research, there are bound to be trials ahead. Dangers. You don't want that, do you? What are you talking about? Of course not. Let's stay. We can do it. All right. Commission, welcome to your new home. Yeah! I better pack on some weight. This is going to be hard work. तो यार इसी के साथ गेम हो चुका है ख़त्म. आई मीन एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड का. आगे के एपिसोड्स में मॉन्स्टर हंटर आइसबॉर्न के वीडियोस आने वाले हैं. लेकिन यार इसी के साथ ये एपिसोड मैं करता हूँ ख़त्म. उम्मीद करता हूँ तुमको ये एपिसोड पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो एज़ यूजुअल. चैनल को सब्सक्राइब करो. कमेंट में बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, सीरीज कैसा लगा वर्ल्ड का. और आइसबॉर्न आने के लिए है तो उसके लिए, तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा और गुड बाय.